Good morning, guys, from Lachung. It was a beautiful morning and you can see the views. This was the best view from any stay that I had during this trip. So before leaving towards Yumthang Valley, I have decided to take a quick walk of the town Lachung. And it was as serene as the town Lachen, and for me, it was much prettier. Currently walking the whole village of Lachung. मुझे सवेरे का वॉक काफ़ी पसंद है, इट कीप्स मी हेल्दी. सो द ड्राइवर कॉल्ड मी एंड सेड ही वॉज कमिंग इन 10 मिनट्स, एंड आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर सम पिक्चर्स फर्स्ट देन फॉर Yumthang Valley. फाइनली मैंने अपना सेल्फी स्टैंड निकाल ही लिया है, एंड इससे काफ़ी कमाल की फोटोज़ और वीडियोज़ आ ही रही है, तो अब मैं इसे अंदर नहीं रखने वाला. एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ और आलसी भी, तो इसलिए मैंने इसे अभी तक पूरे ट्रिप में निकाला नहीं था, बट अब मैं इसे रखने ही नहीं वाला. तो देखते हैं कितनी कमाल की फ़ोटोज़ आ सकती है इससे आज. स्टे ट्यून्ड. आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं हर दिन कह रहा हूँ कि ये मेरे ट्रिप का सबसे बेहतरीन नज़ारा है, पर क्या करूँ, सिक्किम वॉज नेवर डिसअपॉइंटिंग मी एट एनी मोमेंट. तो हर दिन हर रास्ता मुझे और ज़्यादा हसीन और खूबसूरत लग रहा था, पर Yumthang Valley की तरफ का रास्ता तो सच में सबसे ज़्यादा अमेजिंग था. आई मीन, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी हैं तो आपको उस हिसाब से समझ आता ही होगा. और इस रास्ते को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे ये खूबसूरत बादल, कोहरा और गहरी धुंध. वैसे दिल से कहूँ तो Yumthang Valley आने से पहले मैं उतना भी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था, और शक्ल देख के आप बता सकते हैं मेरा ड्राइवर भी नहीं. पर ये रास्ते बहुत बहुत कमाल होते जा रहे थे, मुझे हर पल एक्साइट कर रहे थे Yumthang Valley के लिए. और Yumthang Valley पहुँच के जो मुझे महसूस हुआ, मैं उस दिन समझ गया दैट बेस्ट थिंग्स इन द लाइफ आर अनएक्सपेक्टेड. तो ये रही Yumthang Valley. थोड़ा बहुत कांप रहा हूँ, बट इनफैक्ट इतनी ठंड भी नहीं है. ड्राइव लगभग 1 घंटे की थी, बट चेक पोस्ट और परमिट में ना लगभग 1.5 घंटे लग ही गए टोटल. जैकेट तो पहन लिया मैंने, बट लिटरली उतनी ठंड नहीं है कि मैं जैकेट पहनूँ. थोड़ी ठंड लग रही है, बट उसके बगैर रहा जा सकता है. इनफैक्ट Lachen वगैरह जहाँ हम लोग कल घूमे, इट वॉज रियली रियली कोल्ड, बट नाउ इट्स फाइन. मैं कुछ फोटोज लूंगा और यहाँ के एस्थेटिक नज़ारे, सिनेमैटिक शॉट्स. बारिश हो रही है. खैर, मैंने कल जो अपनी छतरी है वो Lachen पे एक औरत थी बेचारी, कॉफ़ी मोमोज बेच रही थी, तो उसे दे दी. वो बगैर छाते की थी वहाँ पे. सो या फिलहाल मुझे ही बारिश झेलनी पड़ रही है. गैंगटॉक जाते ही एक वापस से एक्स्ट्रा खरीद लूँगा. एंड देन मैंने ली कुछ और फोटोज. हाय गाइस, द होल Yumthang Valley एंड उसके पीछे के कमाल के पहाड़. मेरी आवाज़ तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आ रही होगी मुझे पता है, क्योंकि हवाएं नहीं चल रही, धीमी धीमी सी बारिश हो रही है. एंड मुझे इतनी पसंद आई ये जगह कि मैं अब जब अगली बार आऊँगा तो मुझे वहाँ पे कुछ स्टेज नज़र आ रहे हैं, मैं Yumthang में एक दिन गुजारूंगा और इस वैली को फुल्ली एक्सप्लोर करूँगा. वो जो पहाड़ है वहाँ पे मैं ट्रैक करूँगा अगली बार जब मैं यहाँ पे आऊँगा. एंड मैं बयां नहीं कर सकता यार, इतनी अच्छी लगी मुझे ये जगह. आफ्टर काला पत्थर मुझे सबसे ज़्यादा कहीं मज़ा आ रहा तो वो यहाँ पे. यहाँ पे ठंड भी कम है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट में हूँ. काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हैं इधर उधर, प्रॉपर नज़र आता होगा या नहीं आता होगा मुझे पता नहीं, पर यहाँ मैं डेफिनेटली एक रात गुजारने वाला हूँ मेरे अगले ट्रिप पे. एंड जितने सारे सिनेमैटिक शॉट्स लिए मैंने वो सारे कमाल आए, अपनी सारी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आई. तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जब यहाँ नॉर्थ सिक्किम से जा रहा हूँ तो मुझे उसने बहुत वार्म वेलकम दिया. ये पहाड़ तो मुझे इतने फैसिनेट कर रहे हैं यार. देन मुझे दिखा पहाड़ी घोड़ा, तो मैंने सोचा इस पे सफर करना तो बनता है. दोस्तों मैंने देखा नहीं था पर आगे एक्चुअली एक लेक भी है. अब जा रहा हूँ लेक साइड फोटो खिंचवाने, तो गाइस वो लेक मुझसे काफी दूर है. वीडियो स्टेबल रहे बस यही आशा करता हूँ. मैं दौड़ने वाला हूँ.
बस गिर ना जाऊं यार। So in and all, Yumthang Valley turned out to be the most amazing place of my trip till this point. Unfortunately, it was time to bid adieu to Yumthang Valley and the whole of North Sikkim. Hi guys, the whole of North Sikkim journey was really, really amazing, extremely magnanimous and beautiful. And if you have followed the whole part, you know how beautiful it was. But every beautiful journey ends at some point, right? This was the end of my North Sikkim tour, but the whole amazing journey lied in front of me ahead. And yeah, it ends with the start. So I was back again at Seven Sister Waterfalls to have some lunch. दोस्तों, ड्राइवर ने रोका अभी आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव। मैं जाम पे डेढ़ घंटे फंस गया, सुबह से फ़ोन पे चार्ज ही नहीं। लाचुंग से भाई भैया गैंगटॉक जा ही नहीं पा रहा, क्या ही कहूँ, काफ़ी दिक्कत है। बट खैर, शायद अब एक डेढ़ घंटे में पहुँच जाऊँ। 5% लास्ट चार्ज है फ़ोन पे, अब चेक इन करके बताता हूँ। सो आफ्टर दिस ब्यूटिफुल एंड टायरिंग जर्नी आई रेस्ट गैंगटॉक एंड चेक्ड इन इनटू अ न्यू होटल। जो मैंने बुकिंग की थी पहले से होटल की, मुझे नहीं पता था वो इतनी ज़्यादा अच्छी है। एंड अभी मैं रूम में गया, दिखा रहा हूँ आपको मेरा रूम। सो दिस इज माय रूम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे टीवी चल रहा है। पिछले बार पे टीवी था बट इट वाज नॉट वर्किंग एंड आई हैव अ रियली बिग रूम। खुद को निहारने के लिए मेरे पास शीशा है एंड सबसे खास बात, मैं हूँ अभी 5th फ्लोर पे, तो यहाँ से मुझे मिला ये नज़ारा जो कि रात में तो बहुत ऐसे डरावना सा लग सकता है और सिर्फ कुछ लाइटें दिखेंगी, बट सवेरे यहाँ से जो व्यू आएगा दैट वुड बी अमेजिंग। मुझे ये रूम इसलिए मिला क्योंकि ऑलरेडी किसी और की बुकिंग थी बट उन्होंने कैंसिल कर दी, तो मुझे 5th फ्लोर पे, जहाँ पे चढ़ने में हाल ख़राब हो गया। गैंगटॉक में आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे होटल में, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द होटल्स में सिर्फ और सिर्फ स्टेयर्स मिलेंगे, लिफ्ट्स नहीं है यहाँ पे। एनीवेज, अब मैं जा रहा हूँ इस गद्दे पे आराम करने, जिसकी मैं नरमाहट आपको दिखाता हूँ, काफी अमेजिंग। एंड इन दिस मैनर गैंगटॉक गिव मी अ वार्म वेलकम। थोड़ा सा मस्त हो गया, मुझे डिनर करके बाहर जाना पड़ेगा बिकॉज आज यहाँ पे स्टाफ कम होने की वजह से इन हाउस डिनर नहीं बनाए, तो बस अभी जा रहा हूँ बाहर डिनर करने। लेट्स हैव समथिंग इन चाइनीज और इंडिया, व्हाटएवर, आई एम नॉट श्योर। डिनर ले आया अपने लिए, दो रोटियाँ हैं, थोड़ी सी चिकन करी, चाउमीन है, कुछ और भी छोटा मोटा खाने को एंड फ्रूटी। यहाँ पे पता नहीं कि मुझे ऐसे आम वाले ड्रिंक्स की तलब हो रही है, तो वो ले आया। आई वॉज डन विथ माई डिनर एंड या गाइज, वॉट बेटर थिंग टू वॉच ड्यूरिंग द IPL सीजन। अभी फिलहाल के लिए चलते हैं, गुड नाइट गाइज, आई एम गोइंग टू हैव अ रियली ग्रेट स्लीप। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स माई 5th डे इन सिक्किम एंड पिछली रात मैं गैंगटॉक के शांति निकेतन होटल में रुका था एंड यहाँ से जो मैंने व्यूज़ कल दिखाए थे कि रात को ऐसे बस लाइटें आ रही है, अब वो व्यूज़ दिखाता हूँ। तो काफ़ी ही अमेजिंग व्यू मिल गया है मुझे यहाँ पे। 8 बजे मुझे टैक्सी स्टैंड पे बुलाया गया है, सो जाऊँगा, कोई फ्लावर टैक्सी स्टैंड नाम से है यहाँ पे, तो 8 बजे तक वहाँ पहुँचूँगा। होपफुली 6 बजे तक यहाँ पे घर वापस आ जाऊँ बिकॉज फिर ज़्यादा टायरिंग जर्नी हो जाती है। आई होप नथुला पास जा पाऊँ बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जाते जाते ही वापस आ जाना पड़ता है, क्योंकि नथुला के लिए परमिट तो मिल जाता है पर शायद ठंड इतनी होती है, बर्फ इतनी पड़ रही होती है कि टूरिस्ट को एडवाइस यही किया जाता है कि तुम लोग लौट जाओ। सो गाइज, आई एम अबाउट टू लीव फॉर नथुला एंड चांगू एंड दैट विल बी अ सेपरेट वीडियो ऑन इट्स ओन, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट नाउ। डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलते हैं, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, इन विच आई विल बी एक्सप्लोरिंग नथुला पास, चांगू लेक एंड बाबा मंदिर। सो बाय, टेक केयर। Thank you for watching and stay tuned for the adventure ahead.